धनबाद में एक बार फिर दहेज लोभियों ने विवाहिता को दहेज की बलि चढ़ा दिया। ताजा घटना बरवड्डा थाना क्षेत्र के अंकुरा गांव के शिक्षक श्रीनिवास माथा से 7 वर्ष पूर्व बिहाई गई देवघर की बेटी मीनू के परिजनों ने गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया है कि मीनू के पति जैसे ही पारा शिक्षक से स्थायी शिक्षक बना, उसने 4 चक्का गाड़ी की डिमांड करनी शुरू कर दी और जब उन लोगों ने उसका डिमांड पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी को गला दबाकर मार दिया गया। मीनू की शादी 5 मई 2012 को हुई थी। विवाह के वक्त तथा संभव दहेज भी दिया गया था। बावजूद नौकरी लेने के बाद मीनू को दहेज के लिए पुनः प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। बरवड्डा पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है एवं मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मैं फोन किया, मेरा भगनी जो छोटी भगनी है जो घर में रहती है अपना गांव में, फोन किया कि मामा जी ऐसा ऐसा बात है, मीनू जी को मार दिया गया। तो उसी के आधार पर हम लोग सब परिवार आके निकले तो बोले कैसे मार दिया गया। तो फिर हम वो तो रोने लगी पूरा, बोला सीढ़ी से गिर के मर गई। तो बोले सीढ़ी से गिर के मर गई कैसे, ना हम लोग को पता नहीं, पूरा रोने लग रही थी। फिर हम लोग गाड़ी अपना किए, अपना गाड़ी निकाले, निकाल के हम लोग अपना जो मामा घर का परिजन सब है सब निकले। निकल के जब आए तो उसका जो बड़ा भाई है, लड़का जो आरोपी है उसका जो बड़ा भाई है, उसको हम फोन किए। फोन करके उससे पूछे कि कैसे हो गया मेरा भगनी का इस तरह घटना, तो सीढ़ी से गिर के मर गया। तब तक 2012 में बच्चे भी हैं, एक बच्चा है एक लड़का है। क्या करते हैं उनका हस्बैंड? उनका हस्बैंड टीचर है। हाँ, फिर हम लोग आके यहाँ जब देखे तो पूरा पुलिस से लेके सबको वो बताया गया कि सीढ़ी से गिर के मर गई है। लेकिन जब हम लोग ऑन द स्पॉट गए तो पुलिस से लेके सबको हम लोग को यही बताया कि हम लोग भी जाके देखे उसका गला में पूरा एकदम दबाने का निशान है, गला पूरा सूजन से फूल गया है और गला में जो रस्सी का दाग है वो मर्डर है एकदम 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। दहेज वहेज का ही मांग था, दहेज का भी प्रताड़ना था, वो कंटिन्यू पहले से ही ऑलरेडी वो लोग दहेज के लिए बहुत तरह का हो रहा था। हम लोग का परिवार से लेके सबको यहाँ आया था, एक बार सेटलमेंट भी हम लोग किए थे कि आइंदा इस तरह का घटना जैसे ना घटे, लेकिन फिर भी इसी तरह हो रहा। कल रात में भी वो फोन किया था, फोन करके बोल रहा था कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ परिवार में फोन किया था कि हमको यहाँ से ले चले, नहीं तो ये लोग हमको मार देगा। आज सुबह वही घटना घटने का जो उसका लोभ हो गया, उसी लोभ के चलते वो बोल रहा था कि हमको पैसा चाहिए, हमको घर बनाएंगे हम धनबाद में, हम ये करेंगे, मेरा जो 2 मंजिला उसको 3 मंजिला करेंगे, यही सब उसका विचार था। सुबह में एक वहाँ देवघर से हम लोग को सूचना मिला था कि हमारी भतीजी को हत्या कर दिया गया है। उस पर पुलिस गई, वहाँ पर छानबीन किया और वहाँ डेड बॉडी ले लाया गया है, PMC भेजा गया है और मौसम रिपोर्ट के बाद जो है परिजन और उसके मायके वाले रोक लगे हैं कि गला दबाकर हत्या कर दी है। उस पर आवेदन देंगे, उसके अनुसार उसका लिखित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।